तो यहाँ भी ये किसी ने एक जमीन दलाल की भूमिका ही निभाई है। ग्रामीण तो लड़ने का ठान ही लिए है। गांव वालों की जो प्रयोग में आने वाली सड़क को भी बेच दी है। इसका खामियाजा गांव वाले क्यों भुगतेंगे? गांव वाले नहीं भुगतेंगे और ये आस्था की बात है। आईआई गेम और गेल ऑफ इंडिया के द्वारा नया सराय मुरमा मौजा में जमीन पर कब्जा जमाने के लिए जमीन को बाउंड्री कराया जा रहा है, जिस पर भड़के ग्रामीणों ने धरना वहां दे दिया। वही मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय नाथ शहदेव पहुँच कर धरना पर बैठे हैं। आपको बता दें कि जो रास्ता को घेरा जा रहा है वह रास्ता अनेक जगह जाता है। उसी रास्ते से छठ पूजा करने के समय लोग घाट जाते हैं, वही उसी रास्ते में मंदिर और मस्जिद दोनों है। सुनिए कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव ने क्या कहा। देखिए, ये 100 साल से पहले से ये रास्ता ना केवल प्रयोग में आता है बल्कि रेवेन्यू मैप में भी इस सड़क को दिखाया गया है। और ये सड़क जो है इस पे यहाँ के जो स्थानीय लोग जहाँ वर्शिप करते हैं वो बूढ़ा महादेव मंदिर भी है, आगे एक तालाब भी है जहाँ महिलाएं जाके ना केवल पूजा पाठ में बल्कि छठ भी वहाँ पे होता है। और ये बरसों बरस से ये होता आ रहा है। जो लोग यहाँ करीब 80 साल के लगभग के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे जन्म के पहले से ये रास्ता प्रयोग में आता रहा है। और CO साहब ने खुद से स्वीकार किया है कि हाँ, ये जो रेवेन्यू मैप, जो विलेज मैप है, सारे में इस रास्ते को दिखाया गया था। अब HEC प्रबंधन IM को जमीन बेचता है और उसमें सड़क को कोई दे देता है। जिस तरीके से कोई जमीन दलाल जब किसी गांव की संपत्ति को कोई बेच देता है तो उस पर क्या करती है सरकार? आके उस जमीन दलाल पे FIR करती है कि इसने गांव की जमीन को बेच दिया। तो यहाँ भी ये किसी ने एक जमीन दलाल की भूमिका ही निभाई है कि गांव वालों की जो प्रयोग में आने वाली सड़क को भी बेच दी है। इसका खामियाजा गांव वाले क्यों भुगतेंगे? गांव वाले नहीं भुगतेंगे और ये आस्था की बात है। वहाँ पे एक मंदिर भी है और उस मंदिर के आप आगे जाइएगा तो वहाँ एक मस्जिद भी है। और नया सराय और नगरी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ के सभी कम्युनिटी के लोग, सभी धर्म के लोग मिलजुल के बरसों बरस से रहते आए हैं। और आज यहाँ पे जिस तरीके से आस्था से खिलवाड़ हो रहा है तो IM प्रबंधन से हम लोगों का यही गुजारिश भी है और उनसे कहा भी गया है गांव वालों ने कि हम देख रहे हैं काफ़ी यहाँ हमारी माएँ बहनें भी हैं, इस बात में कोई उनकी बातों को स्वीकार नहीं करेगा। हमें झारखंड राज्य का डेवलपमेंट चाहिए, हमें IM जैसे इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए, हमें IIT भी चाहिए, हमें एम्स भी चाहिए। लेकिन जहाँ पे आप बरसों बरस से कोई आस्था की बात है उससे खिलवाड़ कोई ना करे। और वो आसानी से इसका विकल्प भी निकल सकता है। अगर यहाँ से जो सड़क है सिर्फ उसको अगर वो बाउंड्री वॉल करके उस मंदिर तक जाने के लिए अगर छोड़ दे अगर, तो इतना उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन वो लकीर की फ़कीर की जो बात होती है ना, वो उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कॉन्फिडेंस में लेके वो चाह रहे हैं कि हम बाउंड्री वॉल करा दें, लेकिन गांव वालों ने, सभी लोगों ने ये ठान लिया है कि वो अपने प्राण देने पे भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ये रास्ता वही रहेगा। इसमें हम लोग कहना चाहेंगे कि ये हम लोग मुरमा मौजा के रहने वाले हैं। ये मुरमा मौजा हम लोग का मैंने 100 बरस की ये पुरानी रास्ता है। इस रास्ते से हम लोग छठ पूजा करने जाते हैं, कलश यात्रा करने जाते हैं, मुंडन प्रक्रिया की रास्ता है, सारे मैंने एकमात्र यही रास्ता है जिसमें हम लोग का धार्मिक आयोजन की करने का ये हम लोग पहुंचते हैं वहां तक। ग्रामीण चाह रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी स्थिति में हमारी ये ग्रामीण की रास्ता बंद ना हो। और सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं कि हमारी ग्रामीणों की ये रास्ता बंद ना हो, क्योंकि उनकी आस्था और उनकी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। और अभी हमारे माननीय अजय नाथ साधव, जिस तरह से आप लोगों के बीच बातचीत हुई, अब उनसे क्या समाधान निकलती है ग्रामीणों की कि रास्ता जो मांग, जो ग्रामीण मांग रहे हैं कि रास्ता हम लोग को मिलनी चाहिए। और हम लोग बारम्बार कह रहे हैं कि हम लोग की धार्मिक धरोहर की रास्ता है, मिलनी ही चाहिए ग्रामीण को। मेरा नाम हुआ शिवशंकर बैठा जी, मैं नियासराय के मुरमा मौजा का रहने वाला हूँ। ग्रामीण तो लड़ने का ठान ही लिए हैं। हम लोग सब चाहते हैं कि यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ सभी लोग सदियों से यूज करते आए हैं। यहाँ जाके हमको पता चला है, थोड़ा सा आगे जाके एक मंदिर भी है, उसे आगे जाके एक मस्जिद भी है, और उसे आगे जाके एक छठ घाट भी है जहाँ यहाँ के लोग, सभी महिलाएं जाके छठ पूजा करती है। तो ये आस्था की जगह है। तो पब्लिक ही नहीं, हम लोग भी चाहेंगे
कि यहाँ का रास्ता क्लियर हो, इसको बंद ना किया जाए, क्योंकि सीओ द्वारा भी साबित कर दिया गया है, ये रोड नक्शा में भी है, सदियों से ये रास्ता बना हुआ है। अगर हम लोग इस रास्ता के खिलाफ आज नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है कल जाके अगला रास्ता को भी कोई मूंदने का हिम्मत करेगा। सारे ग्रामीण एकजुट हैं, इसके अलावा सीओ भी आपके साथ में, तो कहीं ना कहीं पे जमीन दलालों का जो है मनोबल बढ़ते चला जा रहा है, तो जमीन किस तरह से जो है वो लोग इसको छेकने का काम कर रहे हैं, और आप लोगों का अगला एक्शन क्या होगा अगर ये लोग अगर छेक देते हैं रास्ता बंद कर देते हैं तो? अगर ये लोग छेकना चाहेंगे तो भी हम लोग छेकने नहीं देंगे, क्योंकि ये सभी ग्रामीणों का रास्ता है, रास्ता सार्वजनिक होती है, कोई एक जन की रास्ता नहीं है। हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा कि ये रास्ता खुला ही रहे। ठीक, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पूनम देवी हुआ, मैं नगड़ी प्रखंड की जिला परिषद हुई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।